अच्छी बात है जिस तरह से आप जुड़ जाते हैं, एक कोई मोमेंट शुरू हो जाता है। हमने तो कभी ये सोचा नहीं था, बस एक बार जाके जितनी अपनी ताकत है उतना करेंगे ऐसे हमने सोचा था, और उसके बाद मोमेंट हो गई वो। अभी सभी लोग जुड़ने लगे हैं तो अच्छी बात है, एक बेहतरीन अभी मरते दम तक जीने की वजह मिल गई है ये काम की वजह से। और एक दो चार लोगों का ये काम है नहीं, सभी जुड़ जाएंगे तब जाके हम कर पाएंगे। और काम बेहतरीन तो है नहीं, किसी और ने करना है हमको करना पड़ेगा, और हमको करना है तो हम करेंगे सब मिलके, एक एक गांव लेके जितने गांव हो सके उतने। और इतनी बड़ी बड़े पैमाने पे लोग पैसे दे रहे हैं तो 400-500 करोड़ भी मिल जाएंगे और उसके बाद काम ही करना है तो फिल्में थोड़ी कम हो जाएगी और एक कम ज्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद। हालांकि मैं धन्यवाद कहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर का इंसान जिंदा रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूं, हम आपके लिए, हम अपने लिए कर रहे हैं। सो लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू। बहुत बहुत आभारी है, हमें एक मौका इस जरिए मिला कि हम भी, लेकिन शायद गणपति बप्पा मेरा आधा क्राउड ले गए। मेरे काफी फ्रेंड्स ने कहा कि तू षण्मुखानंद क्यों कर रही है, बुक लॉन्च कर रहा है तो क्रॉसवर्ड में कर ले या कहीं यहाँ वहां कर ले, पर मुझे ये षण्मुखानंद से इतना प्यार है कि इसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। तो आई एम सो सॉरी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, बुक लॉन्च हो रहा है, इतना बड़ा हॉल है, इतनी कम पब्लिक है, बट दिस वॉज माई डिजायर, हार्ट फेल्ट डिजायर कि यहाँ करना है, आप अपने लोगों के बीच करना है, और फिर भी काफी लोग आए, सो आई एम हैप्पी। अपनी बुक के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि कहते हैं अपनी खुद की चीज़ों की तारीफ या कुछ भी नहीं कर सकती, वो आप लोगों पे छोड़ देती हूँ। और जो भी लोगों ने कहा है, आई जस्ट होप दैट यू ऑल रियली लाइक इट, एंड इट इज़ माय एक्चुअली हार्ट फेल्ट डिज़ायर यू कैन से, और मे बी यू नो
कि मेरे बच्चे को अगर महाभारत पढ़नी थी और उसको नहीं मिली, मतलब उस तरह से नहीं मिली, ही वॉज ओनली रीडिंग हैरी पॉटर एंड विम्पी किड्स, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग बुक. सो आई थॉट वाई नॉट, यू नो वाई, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि ये बुक्स नहीं हो सकती, जबकि हम तो बचपन से बड़े हुए हैं महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुन के. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस ड्राइव विथ माई फ्रेंड तृप्ति शेठ, हु इज़ द ऑथर विथ मी ऑफ माई फर्स्ट बुक. And then we got such a good response. So मैंने कहा ये journey यहीं पे खत्म नहीं होनी चाहिए. And that's how I continued the journey. And my second book, The Eternal Ram. सब कह रहे हैं कि रामायण तो इतनी सारी है तो फिर से रामायण क्यों? तो मैंने कहा हाँ, रामायण की story तो change नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने हमारे बच्चों को जो impress, जो वो पढ़े, तो इस उसी हिसाब से मैंने लिखा है. एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे, मेरे बच्चों को अच्छा लगे. काफ़ी थोड़े बहुत बच्चे आए हैं और उनका सीन नहीं होता है भजन वगैरह, लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल, यू केम हियर एंड यू आर, यू नो, टॉलरेटिंग ऑल ऑफ अस एक्चुअली. तो ये पुस्तक जो है राम, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, अभी तक पैक है इधर. आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा. इसलिए आप यही करे रही है. सो ये अभी पढ़ी नहीं है, तब तक मैं, जब तक पढ़ू ना तब तक मैं बोल नहीं सकता. लेकिन बधाई हो बच्चों के लिए, आपने बहुत सुलभ बनाया है, आसान बना दिया है इस कहानी को, जो आसानी से पढ़ पाएंगे, ताकि हिंदी में हमारे बहुत उपलब्ध है, हिंदी अंग्रेजी में ऐसी बुक उपलब्ध नहीं है. तो पढ़ूंगा, अगर सही नहीं लगेगी तो मैं बताऊंगा कि सही बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाए. नहीं, ऐसी बात नहीं. बहुत 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 बधाई हो. और इसी वक्त आपने एक जो हमने फाउंडेशन शुरू किया नाम से, उसके लिए आपने 10 लाख का चेक दे दिया है. आप चाहती है कि हम शुक्रिया कहें? मुझे लगता है ये हम सबकी मूवमेंट है जिसमें आपने हाथ बटाया, तो बड़ी अच्छी बात है. सब मिलके हम जो अभी जो आपत्ति आई है उसका हम मुकाबला करेंगे. मैं भी उत्तराखंड से हूँ और एक किसान परिवार से ही हूँ, तो इसीलिए बहुत प्रेम है किसानों से. एंड दैट इज हाउ द कनेक्शन इज देयर. इट्स वेरी नाइस ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर कमिंग सर. थैंक यू सो मच. मैं ममता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इतनी खूबसूरत उन्होंने ये किताब लिखी हुई है स्पेशली बच्चों के लिए. और छोटी उम्र में राम जी के बारे में पता चलना, बच्चों को उनके बारे में सीखना बहुत ही ज़रूरी बात है. हमारी हमारे कल्चर में सबसे ऊंचा इसका स्थान है. तो मैं ममता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ. और बहुत सुंदर उन्होंने महाभारत की भी किताबें लिखी है, मेरी छोटी बिटिया को उन्होंने प्रेजेंट भी की है. तो मैं ममता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. इसी तरह की किताबें वो लिखते रहें और हमारे माइथोलॉजिकल जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, उनको इसी तरह वो लोगों के सामने आते रहें, लाती रहें, यही मैं प्रार्थना करूँगा. धन्यवाद. चलो मैं गाऊंगा. तो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले. यही बात ममता जी कहना चाहती है कि राम जो जो काम अपने जीवन में करके गए हैं वो आज के बच्चों को जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, मुझे भी मिल गई है, मैं भी पढ़ूंगा. और एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, ये सब हम आप जानें और अपने जीवन में उनको उतारें. तो ममता जी बहुत बहुत आपको मुबारक हो, एक खूबसूरत काम आपने किया. थैंक्स सर. ममता जी आप बताइए, इतने सारे
जी हाँ, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। एक तो नाम ही मतलब राम है, तो फिर मैं चाहती थी कि कुछ अच्छे लोग जुड़े, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि इतने लोग आए और उन्होंने ये इस बुक का लॉन्च किया, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू मी एंड टू द बुक ऑल्सो। एक्चुअली मैं भी एक किसान परिवार से हूँ उत्तराखंड में, तो आपको पता ही है लोग खेती करते हैं और फिर तभी हमारा घर चलता है। हम लोग बॉम्बे में इसलिए हैं बिकॉज वी हैव टू अर्न, तो वी फील फॉर फार्मर्स फ्रॉम आर हार्ट, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस वेरी गुड कॉज एंड इनिशिएटिव। मोस्टली मैं कोशिश करूंगी बच्चों के लिए, बट यू नेवर नो, लाइफ में हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है, तो लेट्स सी। मुझे इंस्पायर हर वो अच्छी चीज़ करती है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि हमारी जो हेरिटेज है इंडिया की माइथोलॉजी, उसमें इतना कुछ है सीखने के लिए, खासकर भगवद गीता हो या महाभारत हो, रामायण, वी डोंट नीड टू गो टू अ न्यू सोर्स। तो बस मेरी कोशिश यही है कि जितना भी है मतलब उसी से निकाल निकाल के बच्चों को कुछ सिखाया जाए। आप प्रोफेशन से लो आ रहे हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं ये किताब लिखना, लॉ प्रोफेशन दोनों साथ में? हाँ, अगर आपके मन में इंटरेस्ट हो, व्हेन यू हैव पैशन सो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, सो जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। थैंक यू।